फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है टॉप 10 कंट्रीज विद जीडीपी 1896 से लेके 2022 तक। अरे वाह, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे हमने पहले भी एक वीडियो की थी, जैसे इस टाइप से दिखाते हैं कैसे ग्रोथ हो रही है, वो कम हो रही है जीडीपी, तो दिखा रहे जैसे रशिया की कम हो रही है, यूके की कम हो रही है, जर्मनी की कम हो रही है, ग्रोथ किसकी हो रही है, सभी कम हो रही है, वो रशिया ऊपर चल रहा है, फिर रशिया नीचे, इनका ऊपर नीचे होता है, वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स वैसे का वैसे, चाइना का है, किंग डाइन, अच्छा डाइन डाइन्स डाइन्स की होगी ना, तब उस टाइम चाइना ईयर के साथ देखा। हाँ, वो मैं भूल गई थी, मैं अभी कब देख रही थी, तो उस टाइम थी ना जब चाइना बना नहीं था ना। नाइस, वो देखा कौन सी 1911 पे ऊपर आने लगा था, पता चला कि रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया 1912 में। देखो अब बदलाव होते जाएंगे, ऊपर चलता जा रहा है, नीचे चला गया, जापान ऊपर आ गया नीचे से, नीचे चला, इंडिया कब आएगा, चाइना कितना चलता गया, यूएसए वहीं का वहीं है, इंडिया का है, अभी आएगा, अभी इंडिया आएगा। वो देखो ऊपर आ गया ना अब रशिया, अब वो यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के काफी पास आ जाना चाहिए, नाजी जर्मनी आ गया। अच्छा, चाइना नीचे चला गया 1937 में, नीचे गया था, और भी नीचे चला गया था चाइना 39। सब कम हो रहे हैं, यूएसए भी कमी है, बढ़ रहा है। इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, कौन सी ईयर में 1947 में आ गया, तब तक अच्छा हम लोग वो ना इंडिपेंडेंस नहीं थी, इसलिए नहीं थे, इंडिपेंडेंट होते ही आ गए हम, कौन से नंबर पे हम 1 2 3 4 5 6 पे थे, वो चाइना और इंडिया आप देखो इकट्ठे हैं 52 में, सेम थे ऑलमोस्ट 52 में, और इंडिया नीचे चला गया, अब धीरे धीरे इंडिया ऊपर जाएगा, चाइना बढ़ रहा है, सोवियत यूनियन भी बढ़ रहा है, अब इंडिया बढ़ रहा है और चाइना कम हो रहा है, गुड 61 हो गया, सोवियत यूनियन कभी भी यूएसए के इक्वल नहीं आ पाया, हाफ भी नहीं हुआ, अभी तो नीचे जाएगा सोवियत यूनियन,
बढ़ रहा है, सोवियत यूनियन भी बढ़ रहा है, जर्मनी थर्ड नंबर पे है और जापान थर्ड नंबर हो गया, चाइना डबल रेट में बढ़ रहा है ऑलमोस्ट, इंडिया कहाँ गया, ब्राजील आ गया, इंडिया से ज्यादा कर रहा था, ब्राजील ने तो चाइना को कैच अप कर दिया, ये भी टाइम था 77 में, वाओ, स्पेन भी आया था, वन टू थ्री फोर, कितने कितनों के बता रहे हैं, फर्स्ट टॉप 10 बता रहे हैं, जापान कितना बढ़ गया और रशिया कितना नीचे चला गया, चाइना भी डाउन गया, ब्राजील ने चाइना को पीछे कर कहीं से भी ऊपर आ गया, अब रशिया बन गया, पहले रशिया नहीं था, मेक्सिको आ गया, चाइना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कनाडा नीचे, इंडिया नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, 96 तक हम टॉप 10 में नहीं है, मेरा इंडिया कहाँ है, ये कौन है, नॉर्थ कोरिया, अच्छा बनाया है वैसे, दिस इज इंटरेस्टिंग, 2000 में चले गए, अब इंडिया की एंट्री होनी चाहिए, अब आएगा, आ जा भैया, मेरा इंडिया 2008 तक नहीं आया, 2008 तक नहीं आया, अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए, अब आया, अब रशिया इंडिया इक्वली ऑलमोस्ट, चाइना कहाँ है, ओह चाइना नंबर 2 पे पहुंच गया, जब तक हम आए तब चाइना ऊपर ही पहुंच गया, पांच गुना, फाइव टाइम्स उससे ज़्यादा, देखो इंडिया का टाइम, बट इस लेवल चाइना तो जब फाइव टाइम्स ऊपर हो गया, सिक्स टाइम्स हो गया, यार वैसे ही कितने पास जा रहा है, कोई भी इतना नहीं आगे गया अभी तक, तो इतने टाइम से यूएसए को पता ही नहीं चल रहा था, तो कुछ किया क्यों नहीं, फ्रेंड्स मजा आ गया यार देख के, और इतना अच्छा ये वैसे सिस्टम है कि आपको इतना दिखता है कि कैसे कौन सा ऊपर जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, और इयर्स के हिसाब से, और साथ में ये भी बताया, मैं तो चाइना ढूंढती रही था वो डायनेस्टी होगी, मैंने कहा पता नहीं क्या, फिर मुझे रिलाइज हो तब तो चाइना बना ही नहीं था, फिर बाद में जब बना पर देखा एकदम से चाइना में जो है क्रॉस कर कर करके ऊपर तक पहुंच गया, और इतना आगे जो कोई भी, हाँ बहुत तेजी से आगे निकला, कोई भी और दूसरी कंट्री इतनी फास्ट जो थी उससे पहले कोई प्रोग्रेस नहीं की, सोवियत यूनियन काफी टाइम तक नंबर 2 पे था, पर नंबर 2 में भी ग्रोथ इतनी नहीं थी कि वो यूएसए के पास तक पहुंच सके, पर चाइना जो है वो 2021 तक काफी यूएसए के पास, राइट राइट, अगर आप इसी को फोरकास्ट करें अभी तक तो फोरकास्ट यही है कि अगर आप 10 साल आगे जाएं तो चाइना नंबर 1 होने वाला है, तो मतलब ये मैप दिखेगा कि चाइना जाके पूरा आगे चले जाएगा, हाय हाय पता नहीं तब सबको ही दुख होगा बताओ, और उसके बाद जो है सेकेंड यूएस होगा और थर्ड में इंडिया आ जाएगा, फिर खुशी होगी मुझे, फिर मेरे को होगा चलो कोई नहीं, तो वो भी फोरकास्ट है मगर पता चलेगा, इसी चाइना अभी इसी पाथ पे एक्चुअली जा रहा है, वो तो है, पर एक टाइम पे दोनों इक्वल थे चाइना और इंडिया, अगर आपने देखा होगा वॉर के समय 1962 में दोनों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सही थी, फिर इसका मतलब यही है कि पूरा उसी में जाता है कि कांग्रेस ने सही काम नहीं किया, बिल्कुल, अगर आपकी इकोनॉमी सही है उसी वक्त इक्वल थी, आप इक्वली उतने
अमीर थे जितना चाइना था, तो आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स करना चाहिए था। वो गलत, उस वक्त गलत डिसीजन हुए थे, बहुत टाइम तक गलत डिसीजंस ले लेके ये हाल हो गया। अब जो है अब तो अपना डिफरेंस आ गया, अब तो काफी अच्छा होगा। और ऐसी जद मगर प्रोग्रेस हमें बहुत फास्ट रेट में करनी पड़ेगी अगर हमें चाइना के को बीट करना है, क्योंकि चाइना तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा रहे थे एटलीस्ट 6 times तो हमारे से आगे ही था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।